नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व प्रत्यायन या फिर मान्यता दिवस, जिसे हम वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे के नाम से जानते हैं, ये कब मनाया जाता है? तो ये होता है प्रत्येक वर्ष 9 जून को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये एक्रेडिटेशन शब्द होता क्या है? तो अगर आपने कॉलेज या फिर किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई की होगी तो आपने देखा होगा कॉलेज या विश्वविद्यालय के आगे लिखा होता है नैक ए ग्रेड, नैक बी ग्रेड, या इस प्रकार से उसकी ग्रेडिंग भी कई बार लिखी होती है। तो नैक नाम की एक संस्था होती है जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में विजिट करती है और उसके बाद में उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं उसके अनुसार उसे ग्रेड दिया जाता है। तो यहाँ पर एक्रेडिटेशन का सिंपली मतलब है कि जब किसी भी संस्थान को या किसी भी विश्वविद्यालय को मान्यता दे दी जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो सेम मतलब यहाँ पर भी होता है प्रत्यापन का। तो व्यापार और अर्थव्यवस्था में हमारे एक्रेडिटेशन की क्या भूमिका है, इसको चिन्हित करने के लिए और इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष विश्व मान्यता दिवस 9 जून को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? तो थीम है एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी, ये इस बार की थीम है। पत्रकारिता के क्षेत्र में रमन मैग्सेसे अवार्ड किस देश द्वारा दिया जाता है? तो ये जो अवार्ड है दिया जाता है फिलीपींस के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यह अवार्ड इसलिए चर्चा में आया क्योंकि इतिहास में तीसरी बार ऐसा होगा कि जब इस पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है, यानी कि 2020 के लिए किसी भी पत्रकार को रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। बात करते हैं इस पुरस्कार की, तो 1957-58 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी और रमन मैग्सेसे ये फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे, तो उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इससे पहले 1970 में जब वित्तीय संकट आया था तो उस समय भी रमन मैग्सेसे पुरस्कार को रद्द किया गया था। और इसके अलावा 1990 में जब फिलीपींस में भूकंप आया था तो उस वर्ष भी इस पुरस्कार को नहीं दिया गया था। पिछले वर्ष ध्यान रखिएगा NDTV के जो पत्रकार हैं रवीश कुमार जी, इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और वर्तमान में फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? तो ड्यूटर्टे नाम है इनका, रोड्रिगो ड्यूटर्टे, ये इस समय राष्ट्रपति हैं। और अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर ऐप को डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर मिल जाएगा पढ़ने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आप डेली क्विज भी दे सकते हैं और अब आपको डेली ज्योग्राफी की भी क्विज मिला करेगी, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। केबी गुरुजी टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करिए केवी गुरुजी, यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको डेली PDF मिलेगी। इसके अलावा मैं लगभग 10 से 15 MCQs भी रोज़ पूछता हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक यानी कि सीनियर डायरेक्टर के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है अनिल वल्लूरी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अनिल वल्लूरी की बात करते हैं तो ये नेट ऐप में भारत और सार्क के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गूगल क्लाउड इंडिया की बात करें तो इन्होंने इस वर्ष अपने MD के रूप में करण बाजवा की नियुक्ति की थी, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अन्य नियुक्तियों की बात करें तो समीर अग्रवाल को, जो वॉलमार्ट नाम की कंपनी है उसने इंडिया में अपना CEO नियुक्त किया है, और भारतीय इस्पात संघ के द्वारा दिलीप उम्मेन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नियुक्तियों की जो पिछले 5 माह की वीडियो है उसमें से पहली वीडियो आज आपको मिलेगी, लेकिन नियुक्तियों को हम लोग 3 वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक तो हमारी राष्ट्रीय नियुक्तियां रहेंगी, दूसरी हमारी रहेंगी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, और तीसरी रहेंगी इंश्योरेंस और बैंकिंग क्षेत्र की नियुक्तियां, जिससे हम लोग इसको आसानी से पढ़ सकें। क्योंकि नियुक्तियों की संख्या की बात करें तो ये लगभग 150 से 200 के आसपास है पिछले 5 महीनों में, तो इसीलिए हम लोग इसको 3 भागों में डिस्कस करेंगे। लोगों तक सही समाचार पहुँचाने के लिए किस देश की सेना ने तात मादा फिर से फेसबुक का उपयोग करेगी? तो यहाँ पर सेना का नाम है तात मादा और ये है म्यांमार की, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दरअसल हुआ क्या था कि फेसबुक के द्वारा 2018 में
जो म्यांमार की सेना है उसके ऊपर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा दिया गया था और इनकी सेना के जो बहुत सारे अकाउंट थे उनको डिलीट कर दिए गए थे। तो एक बार फिर से दोनों के बीच में बात बन गई है और अब फिर से जो यहाँ की सेना है वह फेसबुक का यूज़ करेगी, जिससे गलत सूचनाओं के प्रसार को रोका जा सके और लोगों तक सही समाचार को पहुँचाया जाए। म्यांमार की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको मिल जाएगी नेपिटा में और बिन मिंट यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। यहाँ की मुद्रा है क्यात और ये आप लोकेशन देख सकते हैं। म्यांमार जो देश है ये भारत के चार राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और है मिजोरम। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि सबसे लंबी सीमा म्यांमार की किस राज्य के साथ है, तो सबसे लंबी सीमा इसकी है अरुणाचल प्रदेश के साथ में। वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद इकबाल वानी को किस राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो ये नए न्यायाधीश बन गए हैं जम्मू और कश्मीर के, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इनकी नियुक्ति के संदर्भ में नोटिफिकेशन को जारी किया गया। जम्मू कश्मीर की बात हुई है तो आपको एक जरूरी नाम याद रखना है कि रजनीश ओसवाल, ये भारतीय संविधान के अनुसार जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले पहले न्यायाधीश बन गए हैं। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो गीता मित्तल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। इस वर्ष तीन राज्यों के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति हुई है, तो उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। एक हमारा है बॉम्बे हाईकोर्ट जिसके बन गए हैं दीपांकर दत्ता, एक हमारा है उड़ीसा का हाईकोर्ट जो कि आपको कटक में मिल जाएगा, इसके बने हैं मोहम्मद रफीक, और एक हमारा है मेघालय का हाईकोर्ट जिसमें बन गए हैं विश्वनाथ सोमादर, तो इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। जून 2020 में इनमें से किसको नासा प्रतिष्ठित सेवा पदक यानी कि नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया, तो ये सम्मान यहाँ पर मिला है रंजीत कुमार को, तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। रंजीत कुमार की बात करें तो ये एक उद्यमी है एरो स्पेस के फील्ड में और नासा के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बनाया गया था अन्य देश की स्पेस एजेंसियों के साथ में, उसमें बहुत बड़ा योगदान था रंजीत कुमार का भी, तो इसीलिए नासा के द्वारा प्रतिष्ठित सेवा पदक से इन्हें सम्मानित किया गया है। बात करते हैं इस पुरस्कार की, तो दूसरे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। इससे पहले आर के चट्टी पंडपति ने इस पुरस्कार को जीता था। नासा की बात करते हैं तो ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसका मुख्यालय आपको वाशिंगटन डीसी में मिलेगा। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष हैं जिम बर्डेनस्टीन, और इन्होंने अभी जो साउथ अफ्रीका की सांसा नाम की स्पेस एजेंसी है उसके साथ में समझौता भी किया है। प्रौद्योगिकी कंपनी जिसका नाम है रीसाइकिल, तो इसने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत प्रोजेक्ट पृथ्वी के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो यहाँ पर इन्होंने समझौता किया है FCCB और UNDP के साथ में, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। FCCB का मतलब है हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड और UNDP का मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसके साथ मिलकर के यहाँ पर रिसाइकिल नाम की जो टेक्नोलॉजी कंपनी है वह सस्टेनेबल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए संयुक्त पहल की शुरुआत करेगी। बात करते हैं प्रोजेक्ट पृथ्वी की, तो ध्यान रखिएगा इसकी शुरुआत 2019 में माइंड ट्री नाम की कंपनी के द्वारा की गई थी, यानी कि किस प्रकार से हम लोग सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकें और लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सकें इसके लिए समझौता किया गया है। रिसाइकिल की बात करते हैं तो मुख्यालय आपको हैदराबाद में मिल जाएगा, इसके संस्थापक हैं अभय देश पांडे, और UNDP की बात करते हैं तो मुख्यालय इसका आपको न्यूयॉर्क में मिल जाएगा और अकीम स्टेनर इसके प्रमुख हैं। गुस्ताव ट्रावे अवार्ड के लिए प्रवेश पाने वाली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है, तो इस नौका का नाम है आदित्य, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा आदित्य के बारे में कि यह भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है, यानी कि यह पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलती है क्योंकि यहाँ पर फोटोवोल्टिक सेल लगाए गए हैं। बात करते हैं इस नौका की, तो इसका निर्माण नावेल्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट्स जो कि कोच्चि में है उसने बनाया है, लेकिन इस नौका का संचालन केरल राज्य जल परिवहन विभाग के द्वारा किया जाता है। गुस्ताव ट्रावे अवार्ड की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में दिया जाता है। फ्रांस के एक इंजीनियर थे जिनका नाम है गुस्ताव ट्रावे, उन्हीं की स्मृति में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये जो आदित्य नाम की हमारी नौका है ये पूरी एशिया से इकलौती है, टोटल 12 इसमें शामिल किए गए हैं और इनमें से अकेली है एशिया से जो कि इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुई है।
भारत सरकार ने किस देश के साथ बिजली सहयोग के लिए MOU यानी कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये हस्ताक्षर किया है डेनमार्क के साथ में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो भारत सरकार का जो बिजली मंत्रालय है और डेनमार्क राज्य की सरकार की जो ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उनके बीच में ये समझौता हुआ है। डेनमार्क की बात करते हैं तो इसकी राजधानी कोपेनहेगन में आपको मिल जाएगी। मुद्रा यहाँ की है डेनिश क्रोन और मेते फ्रेडरिकसन यहाँ के वर्तमान में PM है। बेल्जियम के साथ में भी हमने अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता किया है जो कि एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है यानी कि प्रत्यर्पण संधि है जो कि हमने किया है बेल्जियम के साथ में। ऑस्ट्रेलिया के जो PM है स्कॉट मॉरिसन और नरेंद्र मोदी हमारे PM इनके बीच में अभी एक शिखर सम्मेलन हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इस बात पर सहमति जताई है कि हम एक दूसरे के नेवल बेस को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा 7 समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया गया है। बात करते हैं यहाँ पर डेनमार्क की, तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं जो अंगूठे की तरह निकला हुआ भाग है यूरोप में, ये आपका है डेनमार्क और ये सिर्फ जर्मनी के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने धाविका गोमती मारीमथु को कितने वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया? तो यहाँ पर इन्हें 4 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 2019 में दोहा में एशियाई चैंपियनशिप हुआ था, उसमें इन्होंने 800 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। तो उसी समय इनके सैंपल कलेक्ट किए गए थे और अब सैंपल में ये पता चला कि इन्होंने प्रतिबंधित दवाओं का सेवन किया है। तो अब ये 17 मई 2019 से लेकर के 2023 तक के लिए प्रतिबंधित कर दी गई हैं और ये है तमिलनाडु राज्य की खिलाड़ी। किस राज्य की सरकार ने पंचवटी योजना की शुरुआत की? जो ये पंचवटी योजना है इसको शुरू किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो हिमाचल प्रदेश के जो CM हैं जयराम ठाकुर जी, इनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के जो वरिष्ठ नागरिक हैं यानी कि 60+ एज के व्यक्ति हैं उनके लिए इसकी शुरुआत की गई है। अब इस योजना में होगा क्या? तो जितने भी हमारे विकास खंड होते हैं यानी कि ब्लॉक होते हैं उनमें आवश्यक सुविधाओं के साथ में पार्क और उद्यान स्थापित किए जाएंगे जहाँ पर हमारे वरिष्ठ नागरिक जा करके सैर सपाटा कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो काफ़ी सारे कारणों से भी न्यूज में रहा है हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 2 त्यौहार यहाँ मनाए गए, एक तो है फगली और दूसरा है लोसार। CM शहरी रोजगार गारंटी योजना की भी शुरुआत की गई हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में पुलिस स्टेशन विजिटर सर्वे और ई नाइट बीट चेकिंग प्रणाली को भी इंस्टॉल किया गया। ई संजीवनी जो कि केंद्र सरकार की सेवा है इसके अंतर्गत लोगों को OPD इलाज भी मुहैया कराया हिमाचल प्रदेश ने, और इसे जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसने लोन दिया है कि रोड ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट को ये लोग आगे बढ़ा सकें। हाँ, एक कारण से और न्यूज में रहा था, अभी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 100% LPG कवरेज की जो सूची आई थी उसमें शीर्ष स्थान पर रहा था हिमाचल प्रदेश, यानी कि ये देश का पहला राज्य है जिसने शीर्ष कवरेज प्राप्त कर लिया है इस योजना के अंतर्गत, यानी कि सभी को LPG कनेक्शन इसने प्रोवाइड करा दिया है। कॉनर मैकग्रेगर, इन्होंने एक बार फिर से संन्यास की घोषणा की, तो ये किस खेल से संबंधित है? तो ये मार्शल आर्ट के एक खिलाड़ी हैं और पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, यानी कि एक बार ये घोषणा करते हैं फिर कमबैक कर लेते हैं, फिर करते हैं फिर कमबैक कर लेते हैं। तो ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं और अल्टीमेट फाइटिंग चैलेंज के पूर्व चैंपियन भी रह चुके हैं। तो नाम है कॉनर मैकग्रेगर और खेलते हैं मार्शल आर्ट। सीमा सड़क संगठन, बात हो रही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके द्वारा किस राज्य के 11,800 श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा? तो ये रोजगार दिया जाएगा झारखंड के श्रमिकों को। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और झारखंड के जो वर्तमान में CM हैं हेमंत सोरेन जी, इनके द्वारा इन लोगों के नियुक्ति की अनुमति दी गई, यानी कि जो भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट हैं जो इस समय संचालित किए जा रहे हैं सीमा के पास में, उन सभी में इन लोगों की नियुक्ति की जाएगी। झारखंड की बात करते हैं तो ये अभी न्यूज़ में था क्योंकि प्रज्ञाम नाम का ऐप इन्होंने लॉन्च किया था और जो स्टार रेटिंग प्रोजेक्ट है, स्टार रेटिंग प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र और उड़ीसा के बाद में शुरू करने वाला ये देश का तीसरा राज्य बन गया है। ग्रीन पीस इंडिया की जो रिपोर्ट आई थी भारत के गंदे शहरों की, उसमें झारखंड का झरिया रहा था पहले स्थान पे। CM दीदी रसोई नाम की जो स्कीम है वह भी यहाँ पर शुरू की गई है, यानी कि झारखंड राज्य में। फोनपे कंपनी ने
किस बीमा कंपनी के साथ मिलकर यात्रा बीमा यानी कि जो हम लोग यात्रा करते हैं उसके संबंध में डोमेस्टिक मल्टी ट्रिप इंश्योरेंस की शुरुआत की। तो ये इन्होंने शुरू किया है ICICI लैम्बॉर्ड के साथ में मिलकर के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर सुविधा क्या मिलेगी, आपने यूज़ किया होगा फ़ोनपे ऐप को, तो फ़ोनपे ऐप में यहाँ पर मिलता है माई मनी की सुविधा। माई मनी पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डोमेस्टिक मल्टी ट्रिप इंश्योरेंस। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको 499 रुपये पे करने होंगे एक वर्ष के लिए, और एक वर्ष के लिए आपकी किसी प्रकार की जो यात्रा होगी वह पूरी तरीके से बीमा के अंतर्गत आ जाएगी। मतलब आप चाहे ट्रेन से यात्रा करें, बस से यात्रा करें या फिर पैदल यात्रा करें, सभी को इसमें कवर किया जाएगा। आपके घर से निकलने से लेकर के घर लौटने तक की जो यात्रा होगी उन सभी को इसमें कवर किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी स्कीम शुरू की है यहाँ पर फ़ोनपे कंपनी ने। फ़ोनपे की बात करते हैं तो ये वॉलमार्ट की एक कंपनी है जिसका मुख्यालय आपको बेंगलुरु में मिलेगा और इसके CEO है समीर निगम। ICICI लैम्बॉर्ड की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, MD और CEO है भार्गव दास गुप्ता। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 1 बिलियन टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा है, तो ये लक्ष्य रखा है इन्होंने 2024 तक, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा पहले कोल ट्रेडिंग प्लेटफार्म जिसका नाम है कोल एक्सचेंज, इसके स्थापना की घोषणा की गई है। अब ये प्लेटफार्म है क्या, तो यह एक ऑनलाइन प्लेटफार्म होगा जहां पर कोयले का जो मूल्य होगा वह उसकी मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो पूरी दुनिया में जितने देश हैं उनमें से भारत के पास में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कोयला है, लेकिन भारत अभी भी कोयले को दूसरे देशों से इम्पोर्ट करता है। तो भारत सरकार ने ये टारगेट रखा है कि 2023-24 तक हम लोग अपने यहाँ के कोयले का ही पूरी तरीके से यूज करें। कोयला मंत्री कौन है ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। और बात करते हैं कोल इंडिया की, जो कि सभी प्रकार के कोयले के उत्पादन को संचालित करती है। इसका मुख्यालय आपको कोलकाता में मिल जाएगा और अभी इसके नए अध्यक्ष बने हैं तो उनका नाम भी नीचे आपको बताना है। अर्जुन चरण सेठी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, प्रसिद्ध कौन थे, तो ये एक प्रसिद्ध राजनेता थे और उड़ीसा के भद्रक लोकसभा सीट से 8 बार सांसद ये रह चुके हैं। और 2000 से 2004 के बीच में जब PM थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उस समय ये केंद्रीय जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं, तो इनका अभी निधन हो गया है। चलिए कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। गायत्री कुमार की बात करते हैं तो ये नई राजदूत बन गई है UK की और इन्होंने स्थान लिया है रुचिरा घनश्याम का। विश्व TV दिवस की बात करते हैं तो ये होता है 24 मार्च को और इट्स टाइम इस बार इसकी थीम रही हाइड्रोक्सो क्लोरोक्वीन। ये जो दवा है अभी COVID-19 के मरीजों के इलाज में यूज की जा रही है, वैसे ये दवा है मलेरिया की और कई बार मैं आपको ये बता चुका हूँ। एबल प्राइज जो कि गणित के क्षेत्र का नोबल पुरस्कार माना जाता है फील्ड मेडल के साथ में, 2020 में इससे दो लोगों को सम्मानित किया जाएगा, एक तो है हिलेल फ्रस्टनबर्ग और दूसरे हैं ग्रेगरी मार्गुलिस। वृपाक्ष मिश्रा की बात करते हैं तो ये नए कार्यकारी निदेशक बन गए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए बैटिंग कोच कौन बनाए गए। नई दिल्ली में जो भारतीय विवाद निपटान केंद्र है यानी कि इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर, इसका उद्घाटन किसने किया। नौसेना के द्वारा किस नाम से PPE किट का निर्माण किया गया है। NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया वर्चुअल असिस्टेंट चैटबोर्ड का नाम क्या है और भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे देने हैं। लाइव के बारे में मैंने बात की थी तो मैं आपको बता दूं कि वैसे मैं रहता हूं गांव में तो थोड़ा सा नेटवर्क यहां पर प्रॉब्लम होती है, तो अगर किसी दिन लाइव आना होगा तो उस दिन मैं कोशिश करूंगा कि रात में 11 या 12 बजे के आसपास लाइव आऊं और उस समय हम लोग थोड़ा आगे आने वाली चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं वीडियो में बता दूंगा जिस दिन रात को मुझे लाइव आना होगा। तो इस वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।